पुलिस ने सिमरोल थाने में खड़े रेत से भरे ट्रक को छोड़ने के एवज में 13,000 रुपए की रिश्वत लेते आरक्षक और नगर सैनिक को रंगे हाथों पकड़ा। थाना प्रभारी के कहने पर दोनों ट्रक मालिक से 15,000 रुपए मांग रहे थे, लिहाजा लोकायुक्त ने थाना प्रभारी राकेश कुमार नयन को आरोपी बनाया है। आरक्षक विजेंद्र धाकड़ को जब पकड़ा तो वह थाने में ही जोर जोर से रोने लगा। टीम के हाथ जोड़कर बोलता है कि गलती हो गई। नगर सैनिक का भी कमोबेश यही हाल था। मामले में ट्रक मालिक मनोज शर्मा ने रिश्वत मांगने की शिकायत लोकायुक्त एसपी स्वसाची सर्राफ को की थी। उन्होंने डीएसपी एसएस यादव के नेतृत्व में टीम बनाई थी। मंगलवार को शर्मा ने आरक्षक विजेंद्र धाकड़ को मोबाइल लगाकर बात की। शर्मा ने राशि कुछ कम करने को कहा तो धाकड़ ने जवाब दिया कि 13,000 कर दो, इससे कम नहीं होगा। उसने थाना परिसर में ही पैसे लेकर आने को कहा। शाम को शर्मा से जैसे ही धाकड़ और नगर सैनिक दीप पटेल ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, रिश्वत हाथ में ली तो लोकायुक्त पुलिस की टीम उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। धाकड़ ने टीम से बहस भी की लेकिन उनसे कहा कि मैं स्टाफ से ही हूँ, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, वह बहाने भी लगाने लगा। इसी बीच थाने का पूरा स्टाफ परिसर में जमा हो गया। डीएसपी यादव ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है।